शिक्षा के जिज्ञासु हूँ, नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जानते ही हैं कि हम लोग यहाँ व्यवहार निर्माण के विज्ञान से शिक्षा शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं और चर्चा का यह क्रम आज के वीडियो के अंक में कंट्रोलिंग एक्स्ट्रा वेरिएबल्स ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तक पहुँचा है। आपने पिछले वीडियो में देखा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जाने के पहले, यानी आप रिसर्च को शुरू करने के पहले, जब आपका रिसर्च शुरू हो रहा हो उसके पहले ही आप किस प्रकार से जो उसका क्या नाम है वेरिएबल्स हैं जो कि प्रभावित करते हैं परिणाम को, उनको आप कैसे कंट्रोल करते हैं उसकी बात आपने समझी अच्छी तरह से, जिसमें आपने देखा किस तरह से मैचिंग करते हैं ग्रुप को, कैसे कैसे क्या किया जाता है। और उसके बाद जो जब आप प्रूफ में प्रयोग में चले जाते हैं, आप अनुसंधान को शुरू कर देते हैं, तो आपके अनुसंधान में जाने पर, यानी कहने का मतलब यह कि ये जो कंट्रोलिंग ऑफ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ये कह रहा है कि जब आप प्रयोग को जो तय कर लिया, आपने जो परिकल्पना बनाई, जो उद्देश्य बनाया, जो सैंपल तय किया है कि जो पॉपुलेशन तय किया, जो वेरिएबल्स आपके थे उनको तय करने के बाद जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में चले जाते हैं, यानी जब उसको आप शुरू कर देते हैं प्रयोग करना, तो फिर आप वहाँ भी यह ध्यान रखेंगे कि वहाँ भी कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि आपके जो अध्ययन के परिणाम को प्रभावित कर देंगे। यानी आप देखना चाहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने तय किया उसका प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर कैसे पड़ रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि आपके इस अध्ययन को प्रभावित कर देंगे, यानी कि वो परिणाम को खुद प्रभावित कर देंगे, विषयी जनों को प्रभावित कर सकते हैं जिसके कारण परिणाम प्रभावित हो जाए। तो इस तरह के जो चर हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं कुछ टॉपिक्स में। तो देखिए, जो पहला है लंबे समय तक चलने वाले प्रयोगात्मक शोध के वाह चरों का नियंत्रण। कई शोध ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। लंबे समय का मतलब 2-4 महीने, 2-4 साल हो सकता है अध्ययन किया जाए। आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के संदर्भ में जानिए कि जो नासा जैसी संस्थाएं और जो इसरो जैसी संस्थाएं हैं जो कि एस्ट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो रिसर्च कर रही हैं, जो उसमें बहुत ही लंबा समय 20-50 साल 100-100 साल तक का समय लग सकता है। तो यहाँ भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के संदर्भ में वही बातें लागू होती हैं। आप जो अध्ययन करना चाह रहे हैं वो वही एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। तो इसमें आप क्या करते हैं कि लंबे समय तक चलने वालों में सबसे पहली चीज़ तो कि विषयी जनों में होने वाली स्वाभाविक परिपक्वता जो है वह आपके अध्ययन को प्रभावित करती है। जैसे उदाहरण के लिए आपने एक अध्ययन का प्रकरण चुना कि जो 6 वर्ष का बालक है उसके बोलने की गति कितनी है। अब वो 6 वर्ष का बालक में कुछ बालक हो सकते हैं जो मेच्योरिटी में मोर हों, जनरल से कुछ लेस हों, तो ये रिजल्ट आपको प्रभावित करेगा, या आप जो ये वेरिएबल्स हैं आपके परिणाम को प्रभावित करेगा। आप कंक्लूजन तक जाना चाहेंगे कि अब जो भी कंक्लूजन आपका जनरलाइजेशन होगा वो निश्चित रूप से प्रभावित होगा। यह तभी हो सकता है कि जब आप उसकी मेच्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जो मोर मेच्योर, लेस मेच्योर हैं और जनरल मेच्योरिटी है, तो आप सैंपल में अपने जनरल मेच्योरिटी को रखेंगे, तभी जो अजम्पशन जो आप कंक्लूजन निकालेंगे, जो आपका कंक्लूजन होगा वो जनरल का होगा और वह जनरल बच्चों पर लागू होगा 6 वर्ष के। दूसरी बात है कि जब आप शोध कार्य करने लगते हैं तो दूसरी बात है कि उन प्रासंगिक घटनाओं का इतिहास जो प्रयोग के निष्कर्षों को दूषित कर सकता है, तो ये परिपक्वता का प्रभाव तो आप देख रहे हैं कि कैसे रोक सकते हैं न शोधन करके, लेकिन इसको जो इतिहास से संबंधित प्रभाव है किसी स्थिति के लिए विशिष्ट होता है, ये प्रभाव शोधकों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। जैसे एक उदाहरण के लिए आपको बताया जाए कि इसके लिए कि स्वाभाविक परिपक्वता के बाद प्रासंगिक घटनाओं को देखने के लिए आप जा रहे हैं, तो एक उदाहरण से आप इस बात को समझ सकते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा में जो गणित में बहुत खराब परीक्षा फल देखते हुए एक स्कूल उन छात्रों को जिनका परीक्षा फल खराब रहा है उपचारी शिक्षण पर रखता है, उनके लिए उनके अभिभावकों को सूचित करता है कि उन्हें विद्यालय में अतिरिक्त समय देना पड़ेगा कोचिंग के लिए और 1 घंटा अतिरिक्त पढ़ाया जाएगा। तो 1 घंटा अतिरिक्त पढ़ाने के लिए व्यवस्था की जाती है।
और देखा जाता है कि जो पिछड़े छात्र हैं उनमें आश्चर्यजनक सुधार हुआ। तो यहाँ यह निष्कर्ष निकलता है कि सुधार औपचारिक शिक्षण के कारण आया। क्या यह निष्कर्ष तभी निकाल सकते हैं जब सुनिश्चित हो जाए कि ये सुधार में अन्य कोई कारक सक्रिय नहीं था, क्योंकि हो सकता है बालकों के खराब परीक्षा पर से सतर्क होकर अभिभावकों ने उनके लिए औपचारिक शिक्षण के साथ साथ अतिरिक्त कोचिंग की भी व्यवस्था कर दी हो, या फिर उनको जो है घर पर ही और देख रेख किया जा रहा हो उनको पढ़ने के लिए। बच्चों का भी हो सकता है, बच्चे प्रेरित हो गए हों कि नहीं खराब अंक आए हैं, इसे परीक्षा में होता नहीं है कि रिजल्ट खराब आया तो अगली बार अच्छा रिजल्ट आए, इसके लिए आप दुगुने जोश से ज़्यादा परिश्रम करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, इस बात को देखना है। तीसरा है प्रयोग के मध्य जो विषयी जनों की विनाशिता है इसकी बात है। इस विनाशिता का क्या मतलब है कि जैसे आप कोई प्रयोग लंबे समय वाला कर रहे हैं और उस लंबे समय वाले प्रयोग में हो क्या रहा है कि लंबा समय होने के कारण आपके जो विषयी हैं, आपकी जो अध्ययन के सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आप अध्ययन कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट्स जो हैं कहीं चले जाएँ, आपके क्षेत्र से कहीं दूर चले गए, या फिर वे किसी कारण से मर गए, बीमार हो गए, अक्षम हो गए, तो क्या करेंगे आप? तो ये भी आपके जो विषयी जनों को लिया गया है प्रयोग के मध्य विषयी जनों की विनाशता जो है यह भी प्रभाव करता है। तो इसके लिए आप यही कर सकते हैं कि मतलब अगर ऐसी विनाशता की स्थिति आती है किसी कारणवश, तो वैसे ही विषय को, सब्जेक्ट का मतलब जैसे आप अध्ययन कर रहे हैं बालक पर, तो बालक आपका सब्जेक्ट है। आप जो है ट्रैक्टर पर कर रहे हैं तो ट्रैक्टर आपका सब्जेक्ट है, आप खेत में कर रहे हैं तो खेत आपका सब्जेक्ट है। तो यही बात यहाँ भी हो रही है कि अगर वो नहीं रह जाता है आपके साथ आपके अध्ययन में, तो आपको वैसा ही सब्जेक्ट रखना चाहिए जो उसके ही मेन वाला हो। इसके बाद देखिए जो सांख्यिकीय प्रतिगामी प्रभाव है, स्टैटिस्टिकल जो इफेक्ट रिग्रेशन का है, यह भी प्रभावित करता है। सांख्यिकीय प्रतिगामी प्रभाव भी आपके अध्ययन को प्रभावित करता है। ये होता क्या है कि जो सीमांत प्रकृति की बात करते हैं, आपकी आपने थ्रेशोल्ड फील्ड सुना होगा, तो सीमांत प्रकृति कई बार आप तय करते हैं कि कुछ है और रिजल्ट कुछ आता है। जैसे आपने एक जनरल आपको बताएं जो इसे प्रतिगामी प्रभाव है कि आप जिसे स्टैटिस्टिकल जो इसका डेराइवेशन करते हैं अपने शोध में, जिसमें आप जो है जो सिग्निफिकेंस ऑफ लेवल है, वो जो सार्थकता का स्तर है उस पर निकालते हैं, अब किस सार्थकता स्तर पर आप परिणाम को निकालते हैं, तो वो सांख्यिकीय प्रतिगामी प्रभाव के अंतर्गत आएगा, वो भी प्रभावित करेगा। अगली बात है कि जो पूर्व प्रयोग द्वारा उत्पन्न संवेदनशीलता है, आप जो है कोई प्रयोग कर रहे हैं और उसके पहले ही कोई प्रयोग किया गया है, तो उसके पहले जो प्रयोग किया गया उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम यह होगा कि विद्यार्थी ज़्यादा सतर्क हो गए हैं, वे संवेदनशील हो गए हैं, विषयी जो भी आपके विषयी हैं वो ज़्यादा संवेदनशील हो गए हैं अगर सजीव हैं तो उसके कारण आपका परिणाम प्रभावित होना तय है। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि ऐसे विषय लें, ऐसा विषय चुने, ऐसा सैंपल चुने जिससे पर आपसे मिलता जुलता कोई प्रयोग पहले न हुआ हो। अगर पहले प्रयोग हुआ है तो निश्चित रूप से वो प्रभावित करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं बहुत ही चौथा जो प्रभाव है आपका तरीका है वह अस्थिर प्रेक्षण या प्रेक्षक। ये जो है इसके द्वारा भी आप वेरिएबल्स को बार बार देख सकते हैं। अस्थिर कहा जा रहा है कि स्टेबल नहीं है, आपने देखा फिर नहीं देखा, कुछ देर देखा फिर नहीं देखा, कुछ देर देखे आप प्रयोग, कुछ देर उसके बाद आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, तो उसका मतलब वो जो विषयी है, जो सब्जेक्ट है, उसके मन में एक भाव रहेगा कि नहीं मुझे देखा जा रहा है, मुझे वाच किया जा रहा है, मेरे ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। आप बराबर मत देखिए, अस्थिर कभी कभी देख लीजिए, वही उतना प्रभावित कर देगा। उसके बाद बात करें हाथर्न इफेक्ट की, तो हाथर्न इफेक्ट आपको परीक्षाओं में बराबर पूछा जाता है रिसर्च के संदर्भ में, ये हाथर्न इफेक्ट है क्या? यह हाथर्न इफेक्ट के बारे में मैंने यहाँ लिखा है, आप देखिए क्या है। यह प्रभाव पहली बार जो है वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के हाथर्न प्लांट में देखा गया था, होने वाले प्रयोग में देखा गया था। इसमें महिला श्रमिकों के एक छोटे समूह की
जो कार्य स्थिति में क्रमशः परिवर्तन लाया गया, यानी जो उनको कार्य करने का जो काम दशाएं मिल रही थी उसमें धीरे धीरे सुधार किया गया। पंखे लगा दिए गए, सूरज के पास टीवी लगा दी गई देखने के लिए, थके तो देख लें, और बाथरूम और करीब कर दिया गया, साफ सुथरा रखा गया, पेयजल की व्यवस्था उनके लिए वहीं कर दी गई, पानी वहीं मिलने लगा। तो इस तरह से कुछ व्यवस्थाएं की गई जिससे कि जो कार्य की दशाएं वो सरल हो गई। तो इसमें देखा गया कि जो परिवर्तन लाया गया, जब सरल बार बार जब भी प्रयोग में स्थिति में सुधार किया गया तो ये पाया गया कि उत्पादन बढ़ गया। पंखा बढ़ लगाया गया तब भी उसका प्रोडक्शन बढ़ गया, कूलर बढ़ा दिया गया प्रोडक्शन बढ़ गया, पानी की व्यवस्था वहीं कर दी गई प्रोडक्शन बढ़ गया। जैसे जैसे चाय मिलने लगी 1 घंटे बाद प्रोडक्शन बढ़ गया। बिना बताए ऐसे ही इसमें जो है स्थितियों में सुधार करते गए और प्रोडक्शन बढ़ता गया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो व्यवस्थित सुधार किया गया था, व्यवस्थित रूप से जो सुधार किया गया था, धीरे धीरे सबको हटा दिया गया, कूलर हटा दिया गया, देखा गया कोई उनके प्रोडक्शन में कमी नहीं आई। फिर पंखा हटा दिया गया, देखा गया कोई प्रोडक्शन में कमी नहीं आई। फिर जो पानी पीने की पेयजल की व्यवस्था पास थी उसे दूर कर दिया गया, देखा गया प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आई। तो फिर वहाँ देखा गया कि जो कमी नहीं आ रही बल्कि प्रोडक्शन बढ़ता ही जा रहा है। तो इस अप्रत्याशित व्यवहार का कारण जानने के लिए जो साक्षात्कार किया गया, तो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू से ज्ञात हुआ कि जो प्रयोग में ली गई महिलाओं ने अपने आप को प्रयोग में सम्मिलित करना एक गौरव का विषय समझा। क्या समझा? गौरव का विषय समझा। और वे कठिन परिश्रम करती रहीं, उत्पादन उनका बढ़ता रहा। वे कठिन परिश्रम करती रहीं और उत्पादन उनका बढ़ता रहा। यही जो इफेक्ट है हॉथर्न इफेक्ट कहलाता है। यही हॉथर्न इफेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि आप ध्यान से देखिए कि जब किसी व्यक्ति को किसी प्रयोग में शामिल कर लिया जाता है तो उसमें वो भावना हो सकती है कि उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उत्प्रेरित होकर वह स्वयं ऐसी अनुक्रियाएं कर सकता है जिससे कि उत्पादन बढ़ता जाए और उत्पादन बढ़ता ही रहे। और इसके कारण मतलब ये इफेक्ट है कि आप जैसे मान लीजिए इफेक्ट देखा गया कि गौरव की बात है कि आपको जैसे आप जाते हैं किसी स्कूल में, मैं गया हूँ शोध करते समय, मैं खुद जब अपने टूर्स का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कई स्कूलों में गया तो जब मुझे रोल नंबर वाइज मैंने किया था कि 8 नंबर लेंगे फिर वहाँ इवन लेंगे, इस तरह से रैंडमाइजेशन की बात थी, कहीं कहीं लॉटरी की बात थी। ऐसे लॉटरी सिस्टम मैंने एक विद्यालय में लगाया था बच्चों को, 6-9 के बच्चों को चुनने के लिए। तो हमने पाया क्या कि जो बच्चे लॉटरी उठाने के बाद जिनको मैं अलग कर देता था ग्रुप के रूप में, जिनको सेलेक्ट कर रहा था, उनमें एक एक्स्ट्रा फीलिंग आई, गौरव की बात आई कि मैं बेहतर हूँ। उस समूह से अपने आप को विशिष्ट समझा और उसके कारण भी मेरे अनुसंधान का परिणाम प्रभावित हुआ, क्योंकि उन चुने गए जो प्रतिदर्श में चुने गए बच्चे थे उन बच्चों में ये भाव आया कि नहीं मैं इन जनरल लोगों से अच्छा हूँ। तो जो जनरल से जब अच्छा हूँ तो इसका मतलब मुझे अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए। तो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और रिसर्चर का जो मेन टारगेट है स्टडी का, उस पर वो हॉथर्न इफेक्ट डालेगा। वो कौन सा डालेगा? हॉथर्न इफेक्ट डालेगा। तो इससे आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बातें आप सुनी समझी आपने, मुझे देखा आपने, इसके लिए धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में आइए, जो कुछ कहना हो, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।